लखनपुर टोल टैक्स की बात करें तो इसको लेकर कई बार जम्मू और कश्मीर के लेकर यहाँ पर इंडस्ट्री जितने लोग हैं इन्होंने इस पर चार कदम कि टोल टैक्स को हटाया जा सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके फेवर में क्यों नहीं, ये टोल टैक्स हटने से क्या इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हो सकता है? लोकल इंडस्ट्री, अब देखिए लखनपुर पे बैरियर पे जो भी बाहर से गुड्स आ रही हैं सारी चेक कर रही हैं उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। और हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स जो हमारे कंपिटिटिव में बाहर से बना रहे हैं उनके गुड्स भी चेक कर, उनको एक रुपया के जी टोल टैक्स लगता है। वो हमारा आज के डेट में अगर देखा जाए इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ 30 से 35% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर चल रही है, तो वो भी क्यों चल रही है कि ये टोल टैक्स का बेनिफिट। अगर आज गवर्नमेंट बंद कर दे टोल टैक्स को रिमूव करती है तो बाहर से जितना मटेरियल आएगा वो सारा का सारा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, उनके पास मार्केट ज़्यादा है। हमारे पास मार्केट कहाँ है? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ यहाँ चाइना बैठा है। अच्छा, दूसरी क्वालिटी की क्या इश्योरेंस है? कल को क्या है कि जो मर्जी मटेरियल आके यहाँ मार्केट बेगा कॉमन लोग भी उसमें सफ़र करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हमारी स्टेट ने GST अडॉप्ट किया गया उस टाइम हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब ने असेंबली में ये अनाउंस किया कि हम इस GST को अडॉप्ट करते हैं वाइल प्रोटेक्टिंग दी स्टेट टैक्सेस। अगर स्टेट असेंबली ने GST अडॉप्ट किया और आज ये गवर्नर रूल में ये मुद्दा कहाँ से उठ गया कि इसको टोल टैक्स उठा दो? हम कहते हैं लेट नई पॉपुलर गवर्नमेंट आए, वो इस पर डिसीजन ले कि इसको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। आज तरह तरह के लोग बीच में आ गए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो करते क्या हैं जी, किसी की कोई किसी को 2 करोड़ रुपये साल का टोल टैक्स पड़ रहा है, वो कहता है यार निकल जाए तो मेरे को इसके बारे में बेनिफिट मिल जाए। आप देखो कश्मीर के जो हमारे काउंटर पार्ट हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो भी इस फेवर में है कि जब तक स्टेट असेंबली इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं, गवर्नमेंट बने असेंबली डिसीजन ले तभी इस टोल टैक्स को रिमूव करना चाहिए। हमारी कमेटी बनी थी, कमेटी में हम कॉन्स्टिट्यूएंट थे, सिर्फ एक हमारे जम्मू चैम्बर हैं इनको थोड़ी सी रिजर्वेशन थी कुछ आइटमों पर कि भाई, तो अदरवाइज़ क्या है कि कमेटी में ये एक डिसीजन हुआ था कि जो है टोल टैक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अपना, मैं क्यों ये बोलूँ, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने कुछ आइटम पे टोल टैक्स को एग्जम्पशन दिया कॉमन पीपल की, साल्ट है, डिटर्जेंट्स हैं, पल्सीज हैं, आज की डेट में उनके प्राइस कहाँ कम और बढ़ गए। तो ये कौन इंश्योर करेगा कि जो अगर टोल टैक्स जाता है वो टोल टैक्स के प्राइस कम होंगे? गवर्नमेंट के पास क्या मैकेनिज्म? क्या अगर हम सोचें तो क्या लगता है कि जो टोल टैक्स हटता है तो उसके बाद यहाँ पर यहाँ की इंडस्ट्रीज को जो जो नुकसान होगा, क्या उससे यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि बाहर से सामान जो है वो आएगा उसको लेकर क्या नुकसान हो सकता है? इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि क्या देखो यहाँ पे एक दो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हम लोग कोई 3 से 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? आज की डेट में क्या है कि जब एक यूथ अनएम्प्लॉयड हो जाता है उसके पास मोटिव क्या होता है, कहाँ से रोटी खाएगा? नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरी या तो गवर्नमेंट उनको देगी, हमारे अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी तो वो हम लोग पैसा किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। और जो दूसरी क्या इश्योरेंस है क्वालिटी, कल को मार्केट में जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल आएगा डंप हो जाएगा यहाँ पर, तो क्योंकि वो जिन लोगों ने अपना मटेरियल सिर्फ पैसे कमाने के लिए भेजना बाहर से, वो तो चाहेंगे ना कि यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए, और हम ये लोग हम ये चीज़ को होने नहीं देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर सरकार तो नहीं है, गवर्नर रूल है, गवर्नर साहब को क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से इस टोल टैक्स को जो है विड्रॉ नहीं किया जाए और क्या क्या इंडस्ट्रीज जो हैं इस पर नुकसान होने वाली, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के अब स्टेट के आप ही मालिक हो, यहाँ स्टेट की बुरी हालत है, पहले ही 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने हमारी J&K गवर्नमेंट ने कहा था 50% से 75% लेबर बढ़ाओ लोकल लेवल, वो भी बढ़ाई। अब जब टोल उठेगा ना ये 75 कहाँ, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। 50% इंडस्ट्री जो चल रही है ये भी बंद हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नर साहब को कि ये टोल मत हटाएं और ये जितने भी हमारी इंडस्ट्री है इसमें नुकसान हमें होगा और लोग रोड पे आएंगे, आपको कोई इसमें बहुत ज़्यादा जम्मू वालों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम तो कठुआ से हैं, कठुआ की इंडस्ट्री सारी बंद हो जाएगी, पहले 50% बंद है। तो मेरा यही कहना गवर्नर जी से कि आप टोल को मत छेड़िए और इसको चलने दे, हमारी तभी इंडस्ट्री बच सकती है। देखिए, इन
कहना है कि अगर इंडस्ट्रीज़ को बचाना है तो इसके लिए ज़रूरत है कि ये जो टोल टैक्स है इसे ना हटाया जाए, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर में। तो बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।